सर, आज ये गौमूत्र की बात हो रही है, गौ गोबर की बात हो रही है, क्या सर इससे उपचार हो सकता है? देखिए ऐसा है, हमारा जो मैं मेडिकल साइंस के हिसाब से बताऊंगा, मैं आयुर्वेदिक और उसके नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी कोई आयुर्वेदिक में उसमें रिसर्च नहीं है, हमारी सिर्फ एलोपैथिक में रिसर्च है। एलोपैथिक में ही मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ। हमारे एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो पशुओं का मूत्र होता है, गऊ का नहीं किसी का भी हो, या गोबर होता है, उसमें कई तरीके के कीटाणु निकलते हैं, और ये एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है जिसको कुदरत ने ये सिस्टम बना रखा है, कुदरती सिस्टम है, ये किसी मैन मेड सिस्टम नहीं है, ना आदमी का ना जानवर का, ये कुदरत ने बना रखा है। तो कुदरत ने वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है कि वो शरीर से बाहर जाना चाहिए, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुदरत कहती है। हाँ, खाद के रूप में, उसके रूप में वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो कीटाणु फिर इतना ज़्यादा इफेक्ट इंसान को नहीं कर सकते हैं। अब इसके मूत्र में और गोबर में क्या चीज़ ऐसी मिलती है, कोई साइंटिफिक रिसर्च ऐसी हुई है कि नहीं हुई है, हमारी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है उसमें कोई इस तरह की कोई लाभकारी चीज़ होती हो कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा हो, होता हो, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए और उसमें साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। तो अगर साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर अगर कोई चीज़ है तो उसको यूज किया जा सकता है, अगर साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर नहीं है चीज़ तो वो एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो कोई एलोपैथी का डॉक्टर तो नहीं एडवाइज़ करेगा इसको, और हमारी नॉलेज में भी नहीं है ऐसी चीज़, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल तो फिर कई लोगों का पहले भी ये कहना था कि आदमी का भी मूत्र पीना चाहिए, आदमी के यूरिन में भी कुछ कीटाणु निकलते हैं और वो शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, वो कैसे लाभदायक हो सकता है आदमी का यूरिन पीने से, हमको नहीं पता, आई डोंट नो, हमारी कोई रिसर्च नहीं है उसके बारे में, हमको कोई। सर, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं कृष्णा राज जी, उन्होंने विज्ञान भवन के अंदर ये खुलेआम बोला कि गौमूत्र और गऊ के गोबर से कई तरीके के इलाज होते हैं, तो सर क्या उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि मतलब अभी उन्होंने रिसर्च करा ली, जबकि उन्हें किसानों के ऊपर बोलना चाहिए था और गरीब लोगों के ऊपर बोलना चाहिए, सर उन्होंने एक गऊ के गोबर के ऊपर और मूत्र के ऊपर ही सारी बातें रखी। देखो ऐसा है, वो पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, उनको हो सकता है कहीं से कोई नॉलेज मिली हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च ऐसी हुई हो, उस रिसर्च का डाटा उनके पास हो, तो उस रिसर्च के डाटा के बेसिस पे उन्होंने बोला हो, तो वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, मैं तो टेक्नोक्रेट्स हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बातें जानता हूँ। सर, आपका मानना नहीं है कि सर यहाँ के जो लोग हैं वो जो मतलब एक साइंस के द्वारा, या जो आपने बताया कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, कि हमारे लोग चांद पर जाने की बात करें वो नीचे ही एक गोबर और मूत्र में मिलकर रहेंगे? नहीं नहीं, चांद और गोबर और गाय की बात नहीं है। देखो चांद पे भी अगर जा सकते हैं तो फिर जब सब रहने लगेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से जब पहुंचेंगे तो वहाँ गायों की भी जरूरत पड़ेगी, गाय की जरूरत घी दूध के लिए होती है, घी दूध भाई गाय का लाभदायक है, भैंस का भी लाभदायक है, और जानवरों का भी दूध पिया जाता है और घी बनाया जाता है, भेड़ का, बकरी का, ऊँट का, कई तरीके के जानवरों का दूध और घी जो है लाभदायक है इंसान के शरीर के लिए, और वो यूज़ होता है, ठीक है। तो वो गाय की भी ज़रूरत है, भैंस की भी ज़रूरत है, उसका दूध हम भी पीते हैं और हम भी घी खाते हैं, हम हमेशा से गाय का ही घी खाते हैं, लेकिन घी और दूध तो फायदेमंद है। वो यूरिन का, गोबर की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें कोई साइंटिफिक रिसर्च अगर हो गई है हमारे कंट्री के अंदर, लोगों ने की है और उसको फिर यूज़ किया है और उसका फ़ायदा हो रहा है, तभी उसका बेनिफिट मतलब सामने आएगा तो अच्छा है। सर, मेरा मानना ये था कि ये मतलब ये आम पब्लिक में कहने वाली बात है, या हम इनको खुद भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं देखो, मैं नहीं कह सकता कि वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, हो सकता है करते हो या हो सकता है नहीं करते हो, लेकिन वो कह रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ हो सकता है सच्चाई हो, उसको हम ऐसे ना एट रैंडम और ऐसे बाइज्ड तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। जैसे रामदेव बाबा भी गाय के गोबर और मूत्र के जो फायदे गिनाते हैं, उनका वो एक गोनाइल आता है, वो आती है एक दो चीज़ें, मैंने भी देखी है वो कितना फ़ायदेमंद है, वो है हमने यूज नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, वो तो हम यूज़ करके देखें उसको, तो देखें साइंटिफिकली उसमें ठीक चीज़ें हैं, उसमें ठीक काम कर रही हैं, और उसमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च, जैसे रामदेव बाबा हो सकता है कि कोई रिसर्च कर रहे हों, उन पर साइंटिफिक रिसर्च हो रही हो और उससे कोई आउटकम आ रहा है, उससे चीज़ें मिल रही हैं, तो हो सकता है उनका भी फायदा हो, ऐसा नहीं है, चांद और जमीन की बात नहीं है, गाय चांद पे भी यूज हो सकती है, अगर साइंटिफिक रिसर्च हो गई है गाय के गोबर और मूत्र में अगर कोई अच्छी चीज है निकल रही है, हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल, लेकिन अब फर्दर कोई उसमें रिसर्च होती है और कोई, देखो ऐसा है ना, ये तो परपेचुअल सिस्टम है रिसर्च का और नॉलेज का,
है ना, अभी तक वो नॉलेज इतनी नहीं हासिल हुई हो, अगर उसमें अगर साइंटिफिकली कोई चीज़ निकलती है तो वो ये चीज़ यूज हो सकती है खाद के रूप में, उसके उसका और कोई यूज हो सकता है, तो वो साइंटिफिकली रिसर्च के बेसिस पर ही होना चाहिए।